नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, खबर जुड़ी हुई है वसई में मनसे के आंदोलन की। तो आपको बता दें कि वसई बस डिपो के बाहर वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति एच नवगर कार्यालय के सामने मनसे कार्यकर्ताओं ने, मनसे पदाधिकारियों ने कल एक विरोध प्रदर्शन किया। अब सवाल यह है कि इस विरोध प्रदर्शन की नौबत क्यों आई। तो आपको बता दें, भी हाल ही में पिछले शुक्रवार को जो घटना घटित हुई पुणे में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी और उनको मिलने वाले फंड को लेकर यह छापेमारी थी। उसके विरोध में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर प्रदर्शन किए थे और ऐसा ही एक प्रदर्शन पुणे जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भी किया गया था। अब आरोप यह लगाया जा रहा है कि उस प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। तो इसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध करने मनसे की वसई इकाई ने वसई के अंदर विरोध प्रदर्शन किया और यह कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर कोई भी इस तरह का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला काफी हाईलाइट हो चुका है, सभी नेशनल और फ्रंट मीडिया ने इस मामले को उठाया है और मामले पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जांच जारी है। खुद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी इस मामले की घटना की जांच के आदेश दिए हुए। लेकिन इस मामले में एक और थ्योरी भी सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है, कुछ मीडिया संस्थान ऐसा कह रहे हैं कि पुलिस के हवाले से यह खबर भी आई है कि ऐसे किसी तरह के नारे नहीं लगाए गए थे। तो अब इसकी पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी। पुलिस अपना काम कर रही है और जो फिलहाल वायरल वीडियो हुआ उसके आधार पर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो जो भी होगा आगे भविष्य में वो मालूम पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मनसे ने एक विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन में क्या कुछ कहा वो आप आगे वीडियो में देखिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या विषय आज किस विषय पर आंदोलन रखा है? गेल्या दोन दिवसापूर्वी पाकिस्तान मा जिंदाबाद ह्या नाऱ्यामध्ये जे झालेला प्रकरण, जे पुण्यामध्ये प्रकरण घडलेलं आहे, या हिंदुस्थानमध्ये राहून हिंदुस्थानामध्ये खाणं पिणं, हिंदुस्थानात खायचं प्यायचं, इथून सगळा श्वास वगैरे इथून जाताच घ्यायचा आणि पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणायचं हे काही योग्य नाही। आणि त्यामुळे पाकिस्तान मुर्दाबाद या घोषणेचा आम्ही नारा दिलेला आहे। या हिंदुस्थानमध्ये राहून हिंदुस्थान सरकार न वागता पाकिस्तान सरकार वागत असेल तर त्यांना पाकिस्तानमध्ये राहण्याचा अधिकार नाहीये। ज्यांना पाकिस्तानची जी लाल करायची असेल त्यांनी पाकिस्तानमध्ये जाऊन राहावं, तिथे हिंदुस्थानात राहण्याचा त्यांना नैतिक अधिकार नाही, एवढंच माझं म्हणणं आहे। भारत माता। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।